तुमसे बात कर रहा हूं, लड़की से नजरें हटाओ, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। दोबारा यहां नजर आए तो तुम्हारी जान ले लूंगा। दोबारा हमारे घर की लड़की को घूरा तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। चलो चलो, तुम गाड़ी में जाकर बैठो। हबीबे अंदर जाओ फौरन। या अल्लाह, मैं किन बेवकूफ लोगों में फंस गया। यार यशे, मुझे सच में बहुत भूख लग रही है यार। मैंने तुमसे कहा भी था कि हम नाश्ता कर लेते हैं रास्ते में, चिकन पेटिस खा लेते हैं। hey, सिनान, मैं यहाँ शादी की तैयारियों के लिए फिक्रमंद हो रही हूँ और तुम्हें चिकन पेटिस खाने की सोच रही है यार। ठीक है मेरी जान, चिकन हटाओ, चीज वाली भी तो चल सकती है ना। नहीं, तुम्हें कोई पेटिस नहीं मिलेगा सिनान। सबसे पहले बुर्जू। बुर्जू, बुर्जू, हाँ, ये कहाँ चली गई सिनान? हो सकता है उसको पता चल गया हो कि तुम आ रही हो, इसलिए वो भाग गई है यहाँ से। सिनान जान, तुम मुझे आज गुस्सा दिलाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? हाँ, अरे मैं तुम्हें गुस्सा क्यों दिलाऊंगा, भूख लग रही है मुझे। अल्लाह अल्लाह, बहुत बड़े पेटू हो तुम। सुंगुल, हाँ सुंगुल, बुर्जू कहाँ पर है? गुड मॉर्निंग यश मैम। गुड मॉर्निंग मेरी जान, गुड मॉर्निंग। लेकिन बुर्जू कहाँ है? हाँ यश मैम, बुर्जू ने रिजाइन कर दिया है, उसकी शादी हो रही है। उसके शोहर ने कहा कि काम मत करना। ये क्या कह रही हो? वो क्यों शादी कर रही है भला? ये कोई वक्त है शादी करने का? अब मैं क्या करूंगी? हाँ, तो इसका मतलब हुआ कि आज से मुझे सब कुछ अकेले ही करना पड़ेगा। सिनान, मुझे बुर्जू चाहिए, बुर्जू। इशम, तुमने सुन लिया ना उसने क्या कहा? बुर्जू यहाँ काम नहीं करेगी अब। हाँ, मैंने सुना ये, अब बुर्जू नहीं है तो अब मैं क्या करूंगी, क्या करूंगी मैं? तुम? क्या मैं? अब तुम बुर्जू बनोगी? बिल्कुल नहीं यशम मैम, मुझे नहीं बनना। ठीक है, बकवास नहीं करो सुंगुल, अब से तुम ही बुर्जू हो। सिनान, देखो ना इसे, बुर्जू हमारे सामने खड़ी है, कैसी लग रही है? फॉर गॉड्स सेक यशम मैम, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो आओ, जल्दी से मेरे पीछे आओ, फौरन आ जाओ मेरे पीछे। संभालो यार, 23 दिनों की तो बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अब आप कहते हैं तो संभाल लूंगी मैं सब। सिनान साहब, आप तो इनकी मोहब्बत में पागल हैं। क्या मतलब मोहब्बत में पागल हुआ? अरे आप तो बिल्कुल पागल हो गए यशम मैम के प्यार में। चलती हूँ, गुड बाय। भूख के मारे जान निकल रही है यार। यश मैम, मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का काम नहीं आता। अरे ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है सुंगुल जान, तुम मेरे लिए दावत नामों के सैंपल जमा करोगी, मेरे लिए ऑर्गेनाइजेशन कंपनियों की अपॉइंटमेंट्स भी लोगी, तुम शादी के डिनर का मेन्यू देखोगी, बस यही चीजें। अरे ये वो काम होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट करते हैं, ये तो मैं भी कर सकती हूँ, इसमें क्या मुश्किल है? हाँ बिल्कुल तुम कर सकती हो। बिल्कुल, वो ब्रूचो थी ना, हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के काम को मुश्किल करार देती थी, दिखावे बस। मुझे काम दे दे यशम मैम, मैं कर देती हूँ अभी चुटकी बजाकर। हाँ ये बात हुई ना सुंगुल, याहू, तुम सब कुछ कर सकती हो। अब ये देखो, दानिश, हाँ तुम मेरा कितना ज्यादा ख्याल रखते हो, है ना? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? क्या मतलब नहीं कर सकते, तुम हमेशा तो मेरा ख्याल रखते हो, इतना ज्यादा तंग करती हो फिर भी मेरे साथ हो। अल्लाह अल्लाह, मैं ऐसा क्यों करता हूँ? हाँ मैं भी यही सोच रही थी, कैसे कर लेते हो ये? इसकी दो वजह हो सकती है। और वो वजूहत क्या है? पहली, शायद मुझे तुम्हारी उल्टी हरकतें पसंद है। दूसरी, शायद तुमने अब तक ज्यादा उल्टी हरकतें ना की हों। अल्लाह अल्लाह, हद मुकरर की हुई है। बिल्कुल की हुई है। और तुमने
शायद पता नहीं। वैसे तुम्हें क्या लगता है, मतलब मेरी ज्यादा उल्टी हरकतें कब होती होंगी, बोलो, नोट किया कभी? नहीं जानता, लेकिन शायद जब मुझे ऐसा लगे कि मैं चाहे कुछ भी कर लूं तो मुझ पर दोबारा यकीन नहीं करोगी। अगर ऐसा कोई लम्हा आया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मैं कहने वाला तो तुमसे बात करूंगा। बहरहाल चलो चलते हैं। हाँ। गुड मॉर्निंग, कैसी हो दानिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? ठीक हैं, है ना अर्जगी? बिल्कुल जबरदस्त। तो फिर बाद में मिलते हम लोग। बाद में मिलते हैं। मुझे तो बिल्कुल परेशान नहीं लगती वो। इसे परेशान देखना चाहती हो? नहीं, मेरा मतलब था कि वो जब इतनी ज्यादा परेशान है तो इतना खुश कैसे रह सकती है। अर्जगी, लेकिन दानिश तुम ही ने तो कहा था कि वो बहुत ज्यादा परेशान है। बस मुझे उसे देखकर हैरत हुई कि वो बहुत खुश नजर आ रही थी। मेरी जान वो मुश्किल में थी जो हमने हल कर दी। तुमने हल कर दी? तुमने और उसने? ऐसी देखो, तुम्हारा रवैया फिर से नामुनासिब होता जा रहा है। ये बताओ कि तुम उस लड़की के मसाइल कब से हल कर रहे हो? बेहतर होगा तुम घर जाओ, तुम एक बार फिर नहीं जानती कि क्या कह रही हो मुझसे। दानिश चलो आ जाओ। ऐसा मत करो, मत करो ऐसा। लग तो ऐसा है जैसे किसी शाही खानदान में शादी है। आखिर इतनी तैयारियां कहां होती हैं यार, हद हो गई है, हद हो गई है। क्या बात है बरूची, किसने हद कर दी? यार क्या बताऊं, तुम्हारी बहन ने हद कर दी है आरास, कुत्तों जैसी जिंदगी कर दी है मेरी। लगता है तो मुझे भी रुला दोगे। चलो और नाश्ता करते हैं। क्या सच में? यार तुम सच में मेरे भाई हो, सुबह से कुछ भी नहीं खाया, देखो कैसे कांप रहा हूँ यार। चलो कहीं नाश्ता करते हैं। अरे कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। तुम अभी कहीं भी नहीं जा सकते, हम लोग जा रहे हैं। चलो मेरी जान। देख लिया, अब अगर तुम चाहो तो रोक सकते हो। क्या बात है, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हमें देर हो रही है, हमारा वक्त जाया नहीं। हमें देर तो हो रही है और मुझे भूख भी लग रही है। यशिम, रुक जाओ, तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बाद में, डेफिनेटली बाद में, इस वक्त ना हम बहुत मसरूफ हैं। चलो मेरी जान। लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिला वजह खुद को मत थकाओ, क्योंकि मैडम यशिम के पास तो नाश्ता करने का भी वक्त नहीं है। जान, सिनान, चलो बैठो। मैं ना काम निपटाकर कंपनी वापस आ जाऊंगी, तुम तब मुझे बात बता देना, ठीक है? चलो यार, बाद में मिलते हैं। बताना था कि मैंने उन्हें ढूंढ निकाला है, मगर आज के दिन तो उन्हें भी इंतजार ही करना चाहिए। बुर्जू कहाँ है? बुर्जू ने रिजाइन दे दिया है सर, उसकी शादी होने वाली है तो उसके हस्बैंड ने मना किया है काम करने से। यश मैम ने मुझे प्रमोट कर दिया है, तो आज से मैं आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हूँ। अच्छी बात है, मुबारक हो।
ये लो और इसकी 10 कॉपियां बनवा लो और ओरिजिनल कॉपी मिनिस्ट्री को भिजवा देना। हाँ सही, वैसे मिनिस्ट्री क्या होती है? वही जो आप जानती हैं, जिसका ताल्लुक गवर्नमेंट से होता है, वो इदारा जहाँ एक साहब होते हैं जिन्हें मिनिस्टर कहा जाता है। हाँ। ओहो, लगता है आप समझ नहीं पा रही। ठीक है, मैं तमाम डॉक्यूमेंट्स की कॉपी बना लेती हूँ। वैसे ये कहाँ भेजने होंगे मुझे? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भिजवा दीजिएगा। अब तो गई मैं। हे हाय, मुझे तो अभी भी पता चला कि तुम्हारा प्रमोशन हो गया है, मुबारक हो। जी बिल्कुल डेफने मैम, यश मैम ने मुझे आज ही प्रमोट किया है। यालनी क्या कर रहे हो? मिस कर रहा था तुम्हें, क्या हुआ? वो तो ठीक है, मगर हमें अलग हुए थोड़ा ही तो वक्त हुआ था। हाँ, जो तुम सोच रही हो वो बात नहीं है। बात यह है कि हम दोनों की दोबारा से दोस्ती हो गई है बस। वैसे मुझे आपसे हर किसी उम्मीद नहीं थी। मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। चलो डेफने, बात मत बढ़ाओ। अरे मगर सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी, ठीक है? आराम मत होना प्लीज। ये तुम्हें बाद में बता देगी, ठीक है? हाँ चलो। लेकिन पहले मुझे बताएगी, ठीक है ना? वाकई में? हाँ डेफने, बहुत सी बातें बतानी है तुम्हें। चलो शुरू हो जाओ। अच्छा वो तो ठीक है, पहले मेरा हाथ तो छोड़ो तुम। मैं सुन रहा हूँ डेफने। हाँ तो बॉस, हेल्थ मिनिस्टर का बेटा तो बिल्कुल अच्छी हालत में है, लेकिन हमारी शिपिंग कंपनी को इम्प्रूवमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मुझे एक्सेस मिल गया था और मैंने आराम से सिग्नल्स भेज दिए थे। एक और बात, इन फ्यूचर आपको भी बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत होगी, मिसाल के तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन के सामने। डेफने अब मुझे सांस लेनी चाहिए, समझ गए? हाँ बिल्कुल, हाँ सांस लेनी चाहिए, बल्कि गहरी गहरी सांसें लो। शुरू करो। हाँ, सांस लो, सांस लो, सांस लो। हाँ ऐसे। हाँ अब बाहर निकालो। हो गया। अब अगर तुम्हारी फजूल बातें खत्म हो चुकी हो तो मुद्दे की बात कर ले हम दोनों। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। वो बेवकूफियां जो तुम कर रही थी। याद है जिसका आगाज उस चिमनी से हुआ था? हाँ, तुम रात के वक्त मेरे कमरे में छुप कर आई और कुछ तलाश कर रही थी, इस्तांबुल जाने की जिद करने लगी और फिर अचानक से मुकर भी गई। मेरी जेब से गाड़ी की चाबियां चुरा कर वहां से भाग गई और फिर दोहरी शख्सियत वाले से फिर से राब्ता भी किया। ओ वाह, इसकी मेमोरी तो बहुत अच्छी है। ठीक है, मैंने वैसे कोई बेवकूफी नहीं की है, मगर जहां तक आदम की बात है। डेफिने, अगर तुम कहोगे कि इब्लीस तुम्हारे पास माफी मांगने के लिए आया था, या गाड़ी की चाबी तुमने यशम की शादी का जोड़ा लेने के लिए चुराई थी, या फिर तुम मेरे कमरे में इसलिए आई थी क्योंकि तुम्हें नींद में चलने की आदत है, तो फिर मैं तुम्हें उसी चिमनी में डाल दूंगा जब तक तुम्हारे सारे सच बाहर नहीं आते। क्या मैं पहले एक सवाल पूछ सकती हूँ? आखिर तुम इतने स्मार्ट कैसे हो? मेरे ख्याल से तुम्हारी चालों को समझने और उन पर काबू पाने के लिए। पता है तुम्हारी सबसे अच्छी बात क्या है कि तुम बिल्कुल पुरसुकून रहते हो, जैसे ही तुम्हें मौका मिलता है तुम सीधा निशाने पर तीर लगा देते हो। डेफने बताओ मुझे। ये तो हमारे रिलेशनशिप की कामयाबी है कि तुम चाहते हो कि मैं बोलूं। हाँ तुम वो लड़की हो जो मुश्किलात खड़ी करती है, लेकिन तुम ये भी जानती हो कि जो छुपा रही हो उसे मैं पता लगा कर रहूंगा। तो फिर क्यों तंग कर रही हो मुझे? आई, असल में मैं तुम्हें तंग नहीं करती, लेकिन तुम इतने करीब हो कि मैं कोई बहाना बना ही नहीं पा रही हूँ, समझो ना तुम। आह मेरी जान, तुम भी ना। अपने बॉयफ्रेंड की आंखों में देखते हुए झूठ बोलना कोई अच्छी बात है क्या? हाँ अगर झूठ से किसी का भला हो तो ये अच्छी बात है ना। किसी की भलाई है, इस पर यकीन कर लूं? हाँ ठीक है, तो फिर मैंने यकीन। मिरीख पीछे की तरफ है, बिच्छू सातवें दर्जे में जोहल से मिल रहा है। आई
मुझे यकीन है तुम्हारा शौहर बहुत ही जिद्दी और एक ही तरह की सोच रखने वाला होगा। हाय, आप तो कितना कुछ जानती है। लैला मेरी जान, तुम्हारे शौहर के बारे में मैं सब कुछ जानती हूँ। आखिर को ये भी एक तरह का इल्म है, वसी इल्म। ये भी ठीक है। आई 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 आई, ये देखो मरीख का सूरज से टकराव हो रहा है। क्या मतलब? वो काफी चिड़चिड़ा और जज्बाती इंसान है। इसके अलावा वो तो काफी सख्त मिजाज भी है। हाय, तुफैल तो ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है तुफैल। लेकिन वो ऐसा क्यों है? और अपना नक्शा देख के तुफैल के बारे में बताए ना। मेरी जान, नक्शा ये नहीं बता सकता, लेकिन इसकी वजह तो साफ जाहिर है। क्या? यिंग यांग। फिर से कहे? यिंग यांग, यिंग यांग, यिंग यांग। ये तो बिल्कुल ऐसा है, पिंग पोंग। बिल्कुल मेरी जान। और बताए। अब देखो, हर किसी में कुछ यिन होता है और कुछ यांग। यिन औरत और यांग मर्द। अगर वो इसमें तवाज़ुन रखें तो ये परफेक्ट होता है। मुझे तो ये कहते हुए शर्म आती है, लेकिन अगर मेरा वाला चाहे तो वो भी कामिल हो सकता है, लेकिन मैं उसके यिन यांग के तवाज़ुन का नहीं जानती। हाय लैला मेरी जान, मजाया हो तुम। उसके पास ये नहीं है, माशाल्लाह मुकम्मल यांग है। मेरा उसे एक ही सोच रखने वाला कहना बिला वजह नहीं था। देखा आपने, अल्लाह ताला ने भी उसे यांग वाला मुकम्मल मर्द बनाया है, सच में। आइए आइए, खुश आमदेद। शुक्रिया मेरा, ये मेरे मंगेतर सनान है। मिस्टर सनान, खुश आमदेद। बहुत शुक्रिया। हाय, ये बहुत खूबसूरत है। शादी के ड्रेस के बारे में कुछ सोचा है? अरे यार, मैं तो 6 साल की थी उस वक्त से ही ना अपने शादी के जोड़े के बारे में सोच रही हूँ, लेकिन अब तक ना मैं कुछ तय नहीं कर पाई हूँ। आप तो बहुत मजाक करती हैं। अगर इतने सालों में भी ये फैसला नहीं ले पाई तो तुम बहुत मुश्किल में हो सनान। खुश आमदीद। क्या आप लोग कुछ पीना चाहेंगे? चाहेंगे चाहेंगे, हम ये भी चाहेंगे कि पीने के साथ आप कुछ खाने का भी ले आए। लेकिन मेरी जान, तुम्हें लगता है कि इस वक्त मैं कुछ खाने पीने के मूड में हूँ? लेकिन मैं तो हूँ ना। बिल्कुल नहीं। शादी से पहले उमूमन शादी करने वाले डाइटिंग करते हैं, आप तो जानती ही हैं। जानते हैं ये। हाँ हाँ जानते हैं। मैं शादी के जोड़े का नाप देने से पहले कुछ भी नहीं खाना चाहती हूँ, ना खा सकती हूँ, है ना डियर मेरा? हेलो, ये लोग मेरा तो नाप नहीं ले रहे ना, मैं तो खा सकता हूँ ना। मेरे लिए इस तरह की समझदार दुल्हन के लिए काम करना किसी एजाज से कम नहीं। बताइए आप, आइए शादी का जोड़ा ट्राई करते हैं, चलें। यार मुझे भूख लग रही है, पहले मुझे तो कुछ खाने के लिए दो। हाय, मैं ये सारे जोड़े ट्राई करने वाली हूँ, सारे जोड़े। भूख लग रही है। हाँ, हमारे पास रोटी नहीं, पेस्ट्री चलेगी? हाँ शर्मा, जल्दी आ गए। हाँ, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। सदा पापा क्या कर रही हैं, घर के क्या हालात हैं, यही फिक्र थी ना तुम्हें? सदा पापा से क्या मुराद, उनका इतना ख्याल? असल में हम दोनों के इतने से वक्त में बहुत दोस्ती हो गई। परेशान तो नहीं किया ना उन्होंने? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो बहुत सुकून से बैठी रही। यहाँ तक कि तो फैल मेरी जान, वो बगैर कोई मुश्किल पैदा किए बैठी रही। वो तो तुम्हारे मसले की तह तक पहुँच गई है। मेरा कौन सा मसला? है ना एक मसला, एक सिमत में सोचने वाला। बात सुनो, तुम मुझे छेड़ क्यों रही हो?
ऐसा ना कहो तुफैल, मैं तो नहीं छेड़ रही तुम्हें, बल्कि ये तो अल्टरनेटिव साइंस है। देखो, क्या तुम जानते हो वो औरत क्या कहती है? क्या कहती है? कि तुफैल में यंग नहीं मौजूद। इसका मतलब कि तुम एक ही सोच रखते हो, एक ही सिम्ट में सोचते हो। यंग क्या चीज है? तुम जानते हो यिंग यांग फलसफा है। इस फलसफे के मुताबिक यांग मर्द है और यिन औरत है, और तुम्हारे पास कोई यिन नहीं, यानी तुफैल मेरी जान, तुम में औरत की मिकदार सिफर है। अच्छी बात है, मुझ में औरत होनी भी क्यों चाहिए? क्योंकि सदा फापा कहती हैं कि यिन इंसान के अंदर रहम दिली पैदा करती है। यकीन करो, अगर तुम्हारी सदा फापा औरत ना होती तो मैं उन्हें बांध कर डंडे से मारता, बार बार मारता, बार बार मारता। तुफैल बस कर दो, वो सुन लेंगी। मुझे उनकी कोई परवाह नहीं, पहले अपने बच्चों को छोड़कर चली गई और अब यहाँ आकर यिंग यांग की बातें कर रही है। यार क्या कर रही हो? ये कौन सा तरीका है कमरे में लाने का? यार बस भी कर दो तुफैल, उस औरत के सामने तुम इतनी बदतमीजी कर रहे थे, इतनी जोर से चिल्ला रहे थे। मैं चिल्ला नहीं रहा था, उसे यिंग यांग की बातें करने के बजाय अपने बच्चों की फिक्र होनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने अपने शोहर और बच्चों को छोड़ दिया, लेकिन हम नहीं जानते ना कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हम उस वक्त उनके हालात के बारे में नहीं जानते। हरगिज नहीं, चाहे जो भी हालात हो, उन्हें अपने बच्चों को नहीं छोड़ना चाहिए था। क्या तुम करोगी ऐसा? नहीं मेरी जान, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। मैंने तो तुम्हें छोड़ दिया था। बिल्कुल, लेकिन तुम्हारा रवैया ऐसा है जैसे तुमने कभी मुझे छोड़ा ही नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम जब भी मेरी तरफ देखती हो तो अपनी जान छिड़कती हो और मुझसे पूछ रही हो कि इस बात का मतलब क्या है। वाकई तुफैल, खुद पर इतना भरोसा अच्छा नहीं होता। अगर जरूरत पड़ी तो फिर से छोड़ सकती हूँ तुम्हें, और फिर दूर से ही तुम पे जान छिड़कती रहूंगी। तुम कर सकती हो, बहुत तेज हो तुम। उस औरत को तो हम वहीं भूल गए, कितने शर्म की बात है। उस औरत के लिए शर्म की कोई बात नहीं है, अपने बच्चों की परवाह भी नहीं थी उसे तो। सदा फापा यहाँ नहीं है। कहाँ गई? वो भाग गई। हाँ, उन्हें देखकर और हाथ हिला लो। तुम तो उन्हें आपा कह रही थी ना? ऐसे कह रहे हो जैसे मेरी वजह से भागी हो। तो फिर मुझे क्यों इल्जाम दे रहे हो? तो क्या मैंने भगाया? हाँ बिल्कुल, मैंने कब से इस औरत को इस घर में रोक के रखा और कितना ख्याल भी रखा मैंने सदा फापा का, लेकिन तुम्हारे आते ही भागना पड़ा उसे। लैला देखो, मुझे नहीं मालूम कि वो तुमसे क्या बातें कर रही थी, यिंग यांग या कुछ और, लेकिन उसे बेचारी मत कहो। आए तो फैल, इस औरत के येन के बारे में बात करने से बेहतर होता तुम में ही जरा सा येन होता, शायद इस तरह से तुम औरत को समझ पाते। नहीं हरगिज नहीं, ये तो वाजे है कि औरतें इतनी बेवकूफ क्यों होती हैं। उनमें बहुत येंग होता है और वो अपने जैसे ही लोगों को पसंद करती है। तुमने मुझे बेवकूफ कहा है? क्या कह रही हो, मैंने कब कहा? मैं डफने के पास जा रही हूँ, मेरे पीछे बिल्कुल मत आना तुफैल। अब इसमें भी मेरा कसूर है। यार घबरा नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, आप जाए, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। अब सच कहूँ तो मैं डर गई थी, भूख की वजह से आपको बहुत गुस्सा आ गया था सनान साहब। हाँ, सही कहा आपने, सही कहा, भूख में पागल हो जाता हूँ मैं, ऐसा है मेरे साथ। आप किसी भूखे को देखें तो खाना खिलाएं, वरना फिर भाग जाए वहां से। Asıllardır
yaka mezula Adam inat, kadın çok inat Kişiler de kaçacak doğal olarak Aşk, inadına aşk Dirensen de boş, sürünsen de मेरी जान कैसी लग रही हूँ बहुत प्यारी लग रही हो मेरी जान यार इतना पसंद करते हो तुम मुझे हा? बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हो ना तुम मुझसे सिर्फ यही नहीं बल्कि मैं तो जान भी दे सकता हूँ तुम्हारे लिए शिम यार ऐसे नहीं कहो यार अभी तुम ना बिल्कुल भी नहीं मर सकते हो अभी तो मुझे तुम्हारी दुल्हन बनना है लेकिन इस ड्रेस में नहीं इसमें मेरी कमर बड़ी लग रही है चलो चेंज करते हैं चलो ठीक है मैं यही पहनने वाली हूँ शादी पर कितना प्यारा है ना ये
ये क्या यार? मेरी जान, देखो कैसा लग रहा है। कुछ पहना हुआ ही कहाँ है? और क्या पूछ रही हो, किस चीज की तारीफ करूँ मैं? शादी का ड्रेस है यार, देखो तुम्हें याद है ना, मुझे यही तो चाहिए था यार, स्ट्रैपलेस। स्ट्रैपलेस ये होता है? तो तुम्हें क्या लगा? पता नहीं, मुझे तो लगा कि होगा किसी चीज का नाम। बेवकूफी की बातें नहीं करो। यशिम, गुस्सा ना दिला, उतार दो ये कपड़े। ये सब स्ट्रैपलेस जो भी होता है, जाओ इसे फौरन जाके उतारो। तुम्हें पता है अभी बहुत हल्की आवाज में बात कर रहा हूँ मैं तुमसे, समझ गई ना? समझ गई ना मेरी जान? चलो जाओ, शाबाश, जल्दी से जाके उतारो और कोई ढंग के कपड़े खरीदो। नहीं भाई सिनान, मैं ये बिल्कुल नहीं उतारूंगी, ये पहनना मेरा ख्वाब था। बात सुनो यशिम, ये जान लो कि बहुत ही कोई फजूल ख्वाब था तुम्हारा, सुन लिया? ये टिश्यू पेपर पहन के जाओगे सबके सामने? हाँ, देखो बदतमीजी नहीं करो। देखो मेरी बात सुनो, इसे उतार दो इससे पहले कि मैं खुद ही कैंची लूं और उसके 10-12 टुकड़े कर दूं, उसके बाद पता चलेगा कि कितना बदतमीज हूं मैं। अब जाओ और इसे जल्दी उतारो यार। अच्छा मेरी जान, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, तमीज तुम्हें मैं सिखाऊंगी, मेरा स्टाफ ही काफी है तुम्हें तरीके से तमीज सिखाने के लिए। सुना तुमने, मेरा स्टाफ, समझे, मेरा स्टाफ। यशिम, मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, जाकर इसको उतारो वरना मेरी बदतमीजी देख लोगे तुम यहाँ पर। हाँ बिल्कुल मेरी जान, क्योंकि तुम तो सबसे ज्यादा और बड़े बदतमीज हो। यशिम, तुम ये नहीं पहनोगी, क्योंकि तुम्हारे ये कपड़े देखकर मुझे गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है यशिम, खून खौल रहा है मेरा, और इन कपड़ों में मैं तुम्हें लेकर कहाँ घूमता फिरूंगा यार? नहीं, मैं क्या तुम्हारी बिल्ली हूँ? हाँ, जिसको लेकर तुम मतलब कैसे घूमोगे? नहीं, मतलब क्या है, मतलब क्या है तुम्हारा, बताओ तो, बता दो मुझे कि मतलब क्या है, तुम कहना क्या चाहते हो आखिर? हाँ, और शायद याद नहीं कि मैंने तुम्हारी गाय भैंसे तक कबूल की है, ये बात बिल्कुल नहीं भूलना। तो इसका मतलब तुम मुझे ताना दे रही हो, ऐसे ही है ना? तुम जो चाहे सोच सकते हो। यशम साहिबा, शादी के कपड़ों में है और मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, मैं इस पूरी दुकान को आग लगा दूंगा मगर तुम्हें ये नहीं पहने दूंगा। और चाहे मुझे तुम्हें इसके मलबे में दफनाना पड़े, लेकिन मैं यही ड्रेस पहनूंगी, समझे सिनान? तो मतलब आप मेरी दुनिया में खुश नहीं है यशम मैडम? बिल्कुल भी नहीं सिनान मेरी जान। अब ऐसा है कि इसी ड्रेस से शादी कर ले। ड्रेस क्या तुम्हारे बजाय, अगर जूती से भी शादी करना पड़े तो करूंगी।